करेंसी पर देवी देवताओं की ये तस्वीरें मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया की हैं, जहां के नोटों पर आपको भगवान गणेश, लक्ष्मी और हिंदू स्ट्रक्चर की तरह ही यंत्र की तस्वीरें मिल जाएगी। लेकिन भारत के नोटों पर कभी भी इस तरह की तस्वीरें नहीं छपी। ये बात दिगर है कि सिक्कों पर माँ वैष्णो देवी की तस्वीर छपी है और गुरु नानक देव की 550वीं वर्षगांठ के मौके पर भी स्वर्ण मंदिर से जुड़ा 550 रुपए का एक सिक्का सरकार की ओर से जारी किया गया था। भारतीय नोटों पर आजादी के बाद से ही महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है और उसके साथ भारत के इतिहास से जुड़े कुछ जगहों और प्रतीकों की तस्वीरें लगाई जाती हैं। लेकिन अब मांग उठ रही है कि भारतीय नोटों पर भी देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जानी चाहिए और ये मांग किसी ऐरे गहरे शख्स ने नहीं की है। ये मांग उठाई है बीजेपी के सांसद और हॉवर्ड से पढ़कर आए अर्थशास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय मुद्रा की गिरती साख को उठाने के लिए जरूरी है कि इस पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर छापी जाए। फिर क्या था, उनका ये बयान आते ही ट्विटर पर हैशटैग सुब्रमण्यम स्वामी ट्रेंड करने लगा और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। लगे हाथ लोगों ने तुरंत ही 2000 रुपए का ऐसा नोट भी तैयार कर लिया जिस पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगी है। कुछ लोगों ने तो नोट पर गणेश और लक्ष्मी दोनों की तस्वीर लगाने की मांग कर डाली। कई लोगों ने कहा कि अगर इस्लामिक राष्ट्र के नोटों पर गणेश जी हो सकते हैं तो भारत के नोटों पर देवी लक्ष्मी क्यों नहीं। हालांकि कई लोगों ने स्वामी के इस तर्क का मजाक भी बनाया और उनकी शिक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन स्वामी के इस मांग ने एक नई बहस को जन्म जरूर दे दिया है। दरअसल स्वामी ने यह बयान उस वक्त दिया है जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला विषय पर भाषण देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि नोट में धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर छापने के विपक्ष में है। दरअसल उनसे पूछा गया था कि इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर कैसे छपती है। सवाल के जवाब में स्वामी ने कहा था, इस सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं, हालांकि जहां तक मेरी बात है तो मैं इसके पक्ष में हूं। भगवान गणेश बाधाओं को दूर करते हैं। मेरा तो ये कहना है कि धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीर बैंक नोट में छापने से भारतीय करेंसी की स्थिति में सुधार हो सकता है। इस पर किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार स्वामी की इस बात को कितना सीरियसली लेती है। वीके न्यूज की रिपोर्ट।